आई एम गोइंग टू टेल यू द ऑफिशियल प्रोसीजर हाउ टू मेक एन आर्म्स लाइसेंस. सारी ऑफिशियल फीस प्रोसीजर डिस्कस करूंगा. खांचो वाला कोई सेटअप इसमें मैं डिस्क्लोज नहीं करने वाला. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग फेसबुक पे मेरी दूसरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो भी चेक कर सकते हैं जिसमें मैं अनऑफिशियल फीस वगैरह भी मैंने उस पर बताई हुई है. हेलो गाइज, दिस इज मी अमान और आप देख रहे हैं एकेजे नेटवर्क. आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्म्स लाइसेंस 2023 से रिलेटेड. दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन दैट आई वुड लाइक टू शेयर. सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन याद से दबाएं. हम बात करते हैं कि हमें गन क्यों लेनी चाहिए. आप लोग जिस शहर में भी रह रहे हो अपने लिए लाइसेंस वेपन लाजमी रखें. इससे पहले दो बार मैं वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे, अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने डिलीट कर दी. तो ये मैं एक नई वीडियो बना रहा हूँ जिसमें अपना लाइसेंस गन वगैरह शो नहीं करूँगा. अगर आप लोगों ने मेरी डिलीटेड गन लाइसेंस की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक फेसबुक का डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं. वो कंप्लीट वीडियो है जिसमें मैंने अपने लाइसेंस बुक के पेजेस वगैरह शो किए और आप लोगों को सिंप्लीफाई करके बताया कि किस तरह आप लोग जो है अपना रीन्यू कर सकते हैं सिंध का ऑल पाकिस्तान लाइसेंस. आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गन का सिंध का लाइसेंस आप लोग कैसे बना सकते हैं और उसकी रीन्यू वगैरह का क्या प्रोसेस है. गन का लाइसेंस दो जगह से बनता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डिप्टी कमिश्नर जो एरिया लगता है साउथ वेस्ट ईस्ट उधर से बनता है. सेकेंडली बनता है होम डिपार्टमेंट जो सिंध सेक्रेटरीट में. अगर आप लोग न्यूली अपना लाइसेंस बनाना चाहते हैं, उससे पहले आप लोगों का लाइसेंस नहीं बना, तो एज लिमिट जो है वो 25 से 26 ईयर्स है. सेकेंडली गन का लाइसेंस अक्सर तो पाकिस्तान में बैन होता है. गन का लाइसेंस अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो मास मीडिया न्यूज़ चैनल वगैरह न्यूज़पेपर पे भी इश्तहार आते हैं कि कब जो है गन के लाइसेंस आप लोग बनवा सकते हैं. होम डिपार्टमेंट से अगर आप लोग बनवाएं या डीसी ऑफिस से बनाएं तो उनका 150 और 50 का स्प्लिट रेशो होता है. मंथली उनके पास कोटा अलॉटमेंट होती है कि इतने लोगों को मंथली जो है वो लाइसेंस बना के दें. आप लोगों को ओरिजिनल वैलिड NIC चाहिए. सेकेंडली आप लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन, जिसको आप करेक्टर सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं, वो चाहिए. ये दो चीज़ें आप लोगों को मिनिमम रिक्वायर्ड है गन लाइसेंस के लिए. मज़े की बात यह आप लोगों का जो CNIC होना चाहिए उस पर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सिंध के होने चाहिए. मैंने होम डिपार्टमेंट से बनवाया था. सिंध सेक्रेटरीट का प्रोसेस ये है, उसके अंदर होम डिपार्टमेंट है. होम डिपार्टमेंट के अंदर आर्म्स ऑफिस आर्म्स सेक्शन है. तो सबसे पहले आप लोग अपने CNIC जमा कराएंगे, ठीक है, और तकरीबन 2 से 3 महीने जो है टिकट नंबर आने में लगेंगे. जब टिकट नंबर आ जाएगा आप लोगों का, उसके बाद फर्दर डेटा एंट्री के लिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की सिंध सेक्रेटरीट के अंदर ही ब्रांच है, उसमें 5000 का आप लोग बैंक चलान भरेंगे डेटा एंट्री करने के बाद. और कुछ दिनों के बाद बायोमेट्रिक के लिए आप लोगों को कॉल आएगी. बायोमेट्रिक के लिए आप लोग जाएंगे और 7 से 15 दिन या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं ये प्रोसेस हो जाए, तो प्रिंट होकर आएगा आप लोगों का ऑफिशियली सिंध का आर्म लाइसेंस. जब आप लोगों का सिंध का लाइसेंस प्रिंट होकर आ जाएगा तो उसके 15 या 1 महीने के बाद आप लोग या उससे थोड़ी से कम टाइम के बाद आप लोग ऑल पाकिस्तान करवा सकते हैं. उसकी ऑफिशियली फ़ीस है 2500 जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में सबमिट होगी विद द रिक्वायर्ड चालान. अगर आप लोगों का आउट ऑफ सिंध प्रोवेंस जाना नहीं होता तो ऑल पाकिस्तान कराने की ज़रूरत नहीं है. उसके बगैर भी आप लोग गन परचेज़ कर सकते हैं. जब आप लोगों का प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आ जाएगा ये गन लाइसेंस सिंध का, तो उसकी वैलिडिटी होती है 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने के अंदर आप लोग जाके अच्छे ऑथराइज डीलर से आप लोग गन खरीद सकते हैं. गन बाइंग प्रोसेस की बात की जाए, जैसे पिस्टल की फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप लोगों का परचेज पीरियड एक्सटेंड हो गए 3 महीने से ज़्यादा हो गए तो कोई भी ऑथराइज डीलर गन शॉप वाला आप लोगों को गन खरीदने के लिए नहीं देगा. तो उसका ये सलूशन है कि आप लोग गन शॉप वाले से या डायरेक्टली होम डिपार्टमेंट से जाके गन परचेज पीरियड एक्सटेंड करा सकते हैं, तो उसकी भी तकरीबन 3 महीने की एक्सटेंशन हो जाती है. अगर आप लोग गन शॉप वाले से करवाते हैं परचेज पीरियड एक्सटेंड कराना, तो गन शॉप वाले या एजेंट जो है 1000 रुपीज़ लेगा. वैसे ऑफिशियली सिंध सेक्रेटरीट से ये फ्री है. जब गन बाय करने जाएंगे तो आप किसी भी रिलायबल गन डीलर से आप लोग परचेज कर सकते हैं. और मार्केट में 7 जुड़ी हुई शॉप्स भी जो होती हैं उनके भी 5000-2000 इतने मार्जिन होते हैं. तो आप लोग मार्केट पहले सर्च करें, जिसकी आप लोगों को डीलिंग अच्छी लगे तो उससे आप लोग परचेज कर सकते हैं. गन शॉप में आप लोगों ने जाके अपना लाइसेंस दिखाना है. जो वेपन आप लोगों ने बाई करने के लिए डिसाइड कर लिया तो गन शॉप वाला उसकी एंट्री करेगा अपने रजिस्टर्ड रिसीट में. गन से रिलेटेड आपके लाइसेंस से रिलेटेड सारी एंट्री करके उस पर अपना साइन और अपने गन शॉप का स्टैंप लगाएगा. बैलिस्टिक टेस्ट बहुत ज़रूरी है. बैलिस्टिक टेस्ट या फॉरेंसिक टेस्ट, उसमें ये होता है कि गन शॉप वाला आपके जो आपने जो वेपन परचेज किए उसमें से 2 राउंड कम से कम जो है फायर करेगा और उसके जो शेल होते हैं वो अपने पास रख के फॉरेंसिक के लिए दे देगा. वो हार्डली 1 से या 2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को जो है
बैलिस्टिक रिपोर्ट की कॉपी आप लोगों को देगा, ओरिजिनल अपने पास रखेगा। किसी भी गन का फॉरेंसिक इसलिए ज़रूरी है कि खुदा ना खास्ता अगर कहीं क्राइम होता है तो पुलिस वालों को शेल वगैरह मिलते हैं, तो आप लोगों का जो बैलिस्टिक टेस्ट हुआ होगा तो उससे जो पिन हिट हुई होती है शेल के पीछे, तो इंडिकेट करती है कि वो आपके गन से फायर नहीं हुई हुई। बैलिस्टिक टेस्ट करवाना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और उसकी कॉपी अपने पास आप लोग संभाल के रखें। तो फाइनली गन आप लोगों ने परचेज कर ली। अगर बुलेट्स की बात की जाए तो मैक्सिमम 200 एमिनेशन पर ईयर आप लोग परचेज कर सकते हैं, और उसकी एंट्री आप लोग जिस वेंडर से गन शॉप वाले से बुलेट्स परचेज करेंगे तो उसकी एंट्री अपने लाइसेंस पर ज़रूर करवाएं। तो आप लोगों के जहन में एक सवाल होगा कि आप लोगों के पास जो है कैरिंग परमिट नहीं है, तो वेपन जो आप लोगों ने परचेज किया है तो घर लेके जाएंगे तो पुलिस वाले जो है चेकिंग करेंगे तो कोई पॉइंट आउट ना करे? नहीं, आप लोग जो है रिसीट दिखाएंगे उनको कि ये मैंने आज ही परचेज किया और मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ, तो उस पर कोई भी किसी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं है। उसी डे में आप लोगों ने परचेज किया है और आप लोग एज इन घर लेके जा रहे हैं, तो उसमें कोई भी किस्म की जो है परेशानी नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो ग्लोबली जो आप लोगों का गन लाइसेंस है वही कैरिंग परमिट भी है, लेकिन सिंध में जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग को पुलिस वाले तंग ना करें तो आप लोग एक होम डिपार्टमेंट से या अपने डीसी ऑफिस से कैरिंग परमिट बना दें, उसकी ऑफिशियली कोई फीस नहीं है। लेकिन अगर आप लोग किसी गन शॉप वेंडर से बनवाते हैं तो उसकी 4000 आप लोगों से फ़ी चार्ज कर देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों को अपने गन जो आप लोगों ने परचेज किए उसकी एंट्री अपने कंसर्न एरिया का जो पुलिस स्टेशन है उसमें लाजमी करें, उसकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं है। और सेकेंडली होम डिपार्टमेंट में उसकी एंट्री लाजमी करवाएं, उसकी भी कोई फीस नहीं है। होम डिपार्टमेंट वाले आप लोगों का जो गन का लाइसेंस है उसी पेपर पे जो है प्रिंट करेंगे, एम्बोज करेंगे कि आप लोगों का वेपन कौन सा है, उसका सीरियल नंबर क्या है, किस वेंडर से आप लोगों ने परचेस किया है, किस डेट को परचेस किया है, तो वो एंट्री करवा लें होम डिपार्टमेंट में, ये करवाना ना भूलिएगा। सिंध का लाइसेंस जो पिस्टल का है उसकी ईयरली फीस है 500 रुपीज़। अगर आप लोग कन्वर्ट कराते हैं ऑल पाकिस्तान से तो आप लोगों की जो पिस्टल की फीस है वो 1000 आप लोगों को ईयरली भरनी पड़ेगी। वो एट द एंड ऑफ द दिसंबर से पहले पहले आप लोग भर सकते हैं। एनुअली फ़ी भरने के लिए आप लोग जो है किसी भी ऑथराइज नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, 1 ईयर की भी कर सकते हैं, और कुछ स्पेसिफिक ऑथराइज ब्रांचेज हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिधर आप लोग कम्युलेटिव 3 साल की भी भर सकते हैं। अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं कि अपने पिस्टल को कैसे साफ़ करें विद मैगजीन, तो उससे रिलेटेड मैं अनकरीब एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, वो भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर दो। AKJ नेटवर्क इंस्टाग्राम पर आप लोग जाके मुझे फॉलो करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो 2023 में गन लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या गन लेना चाहते हैं। ये वीडियो किसी को भी हेल्प कर सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go.